अब क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी आपको एक ट्रांसमिशन टावर है फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी देखो ये ग्राउंड लेवल हो गया, इसके ऊपर ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है। तो क्या बोला है, द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 20 मीटर है, 20 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग है, उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है। फाइंड द हाइट ऑफ पिलास्टर, सॉरी फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर बिल्डिंग। यानी कोई एक ग्राउंड के कोई एक पॉइंट, ये पॉइंट है, वहां से आपके एंगल ऑफ एलिवेशन, ये टावर है, टावर के ए बी सी डी, डी आपका ग्राउंड पॉइंट है, वहां से 20 मीटर की बिल्डिंग है, उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है, टावर का टॉप और उसका बॉटम दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन भी है कितने, 45 और 60। आपको पता है जब नीचे जाओगे आप तो ये एंगल छोटा हो जाएगा, तो ये 45 रहेगा जबकि ये बड़ा 60 का एंगल है, बराबर। रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट आपको ये फाइंड करनी है, बराबर है। तो जो दिया है वो लिख देते, तो इन फिगर बी सी इज हाइट ऑफ वो बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी दी है, बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। दूसरा आपको क्या दिया है, ए बी इज हाइट ऑफ टावर, हाँ बराबर टावर, एंड आपको फाइंड करना है ए बी क्वेश्चन मार्क, डी इज द ग्राउंड पॉइंट, बी इज द ग्राउंड पॉइंट, डी वो ग्राउंड पॉइंट है और जहां से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 40 के, तो वो तो आ गया। तो सीडीए क्या है, बिल्डिंग टू ग्राउंड पॉइंट डिस्टेंस है सीडी, और वो तो कुछ बात की नहीं, वो तो लिया ही नहीं, बराबर है, लेकिन आपको ये 20 मीटर दिया हुआ है। तो अब देखो इसमें क्या करना है, दो ट्रायंगल, पहले बी सी डी की बात करते हैं, तो इन राइट ट्राइंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 10। अब देखो बी सी डी एंगल के लिए ये आपको 45 का एंगल ही आता है, तो 10 45 इज इक्वल टू क्या आएगा, बी सी अपॉन सी डी आएगा, 10 45 वन है तो बी सी अपॉन सी डी, तो इसका मतलब बी सी इज इक्वल टू सी डी मिल गया, BC और CD इक्वल हो गए, एक रेशियो मिल गया। अब दूसरा लेते हैं, इन राइट ट्राइंगल कौन सा, ACD, इसमें एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 10 60 इज इक्वल टू AC अपॉन CD, 10 60 कितना है, अगर देखो इधर मैंने लिया BC इक्वल टू CD, तो इसका मतलब पता है आपको BC कितना था 20 मीटर, तो CD भी कितना आया 20 मीटर, वो भी मैं इधर लिख सकता हूं, 10 60 यानी कितना आएगा रूट 3। AC वो तो ढूंढना है आपको, AC नहीं दिया और CD आपको दे दिया 20 मीटर, तो 20, तो AC इज इक्वल टू 20 रूट 3। अब आपको टावर की हाइट तो ये भी है ना,
तो AB इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल एसी माइनस बीसी, एसी 20√3 माइनस बीसी कितना है 20, तो 20 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो √3 - 1, 20 × √3 - 1 वो आपका ए बी आ गया, बराबर है इतने मीटर्स। अब रूट थ्री की वैल्यू, कभी कभी रूट थ्री की वैल्यू 1.73 भी ले सकते हो, तो 20 कितना है 0.73, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते, 3 × 6, 7 × 14, 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट करे तो 14.6 मीटर ए भी ले सकते हो। इधर मैंने क्या किया, √3 = 1.73 अगर ये सी लेते हैं तो, पहले लेते थे, वरना आपका आंसर इधर ही आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टैच्यू 1.5 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पिलेस्टर, यानी कोई बेस के ऊपर एक स्टैच्यू रखा है, बराबर एक बेस है इसके ऊपर, इधर से ऊपर इधर स्टैच्यू रखा है, बराबर, और स्टैच्यू की हाइट दी हुई आपको 1.6 मीटर, 1.6 मीटर बराबर स्टैच्यू की हाइट है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60, यानी ग्राउंड के कोई पॉइंट से, ये ग्राउंड के पॉइंट से 60 का एंगल, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पिलास्टर, अब इसका तो ये आपका 45 का एंगल है, आगे का वैसा ही एग्जांपल है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पिलास्टर, पिलास्टर की हाइट आपको फाइंड करना है, ए बी सी और ए बी पॉइंट है आपके पास। आपको वो आई फाइंड है, इधर तो देखो 45 का एंगल है तो सीडी इक्वल टू बीसी होगा, बराबर है, इधर फिगर में नहीं दिखता लेकिन सीडी और बीसी तो इक्वल ही बनेगा, तो अब इन फिगर फिगर के हिसाब से हम लिखते हैं क्या है, तो ये भी इज हाइट ऑफ स्टैच्यू, कितना दिया है 1.6 मीटर, बीसी इज हाइट ऑफ पिलास्टर, तो वो ढूंढनी है आपको क्वेश्चन मार्क, तो कौन कौन से एंगल लेते, तो पहला लेता हूं इन राइट ट्राइंगल बी सी डी, तो 10 45 इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी, 10 45 वन होता है, बी सी अपॉन सी डी, तो आपको मिल गया बी सी इज इक्वल टू सी डी, दोनों इक्वल, बराबर है। अब लेते हैं इन राइट ट्राइंगल ए सी डी, 10 60 इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, 10 60 यानी √3, ए सी, ए सी कितना है, तो ए सी तो टोटल ही ले लेते, ए सी, सी डी कितना है, तो सी डी, तो सी डी इक्वल टू बी सी दिया है, तो वो मैं बी सी ले सकता हूं, तो AC इज इक्वल टू क्या आएगा √3 BC आएगा,
बराबर है। और आपको ढूंढना क्या है, हाइट ऑफ द पिलास्टर बीसी ढूंढना है। तो बीसी इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल एसी माइनस एबी। तो एसी कितना था, रूट थ्री बीसी, और एबी कितना है, तो 1.6 है ना। आपको बीसी ढूंढना था ना, तो सीडी लगता होता है। पिलास्टर की हाइट ढूंढनी है, यानी बीसी ढूंढना है आपको। कोई बात नहीं, वही मिल जाएगा। ए बी कितना है, 1.6 है, और ये तो बीसी था। तो क्या करेंगे, बीसी, ये बीसी उस साइड आएगा, तो रूट थ्री बी सी इज इक्वल टू 1.6। बी सी कॉमन निकाला तो 1 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 1.6। तो बी सी इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाय 1 माइनस रूट थ्री। ये आपका आंसर आ गया मीटर में। तो बी सी कितना होगा, 1.6 डिवाइड बाय 1 माइनस रूट थ्री। तो ये आपको मिल जाएगा हाइट ऑफ पिलास्टर। तो आंसर के हिसाब से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो बीसी इज इक्वल टू 1.6, 1 माइनस रूट थ्री था ना, तो ऊपर नीचे 1 प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेथड 9 में आ गई थी, तो उसको हम क्या बोलते थे, रेशनलाइजेशन बोलते, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इधर कितना आया, 1.6 इंटू 1 प्लस रूट थ्री, नीचे देखो 1 माइनस रूट थ्री, 1 प्लस रूट थ्री, यानी 1 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो 1.6 इंटू 1 प्लस रूट थ्री, नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर कितना आएगा, 1 3 हो जाएगा ना, बराबर है, 1 माइनस रूट थ्री आता है ना, एसी कितना है, रूट थ्री बराबर एसी। तो देखो 1.6 1 बाय 2 आएगा, और ये 1 अपॉन रूट थ्री आएगा। तो देखो 2 तो कट जाएगा, तो 0.88 इंटू 1 प्लस रूट थ्री, यानी 0.8 1 प्लस रूट थ्री। इधर जो माइनस आंसर आता है, तो ये हाइट है इसीलिए प्लस में ही होगी, इसीलिए 0.8 को हम प्लस में ही लेंगे। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब एक्सरसाइज 9.1, उसका क्वेश्चन 9 है, जिसके लिए हम पहले फिगर ड्रॉ करते हैं वो क्वेश्चन के ऊपर से। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। एन एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। यानी एक आपको बिल्डिंग दी और ऐसे है, मैं अभी बोलता नहीं हूं कि कौन सी बिल्डिंग है और कौन सा टावर है, बराबर। अब देखो इसके फुट से ये जो एलिवेशन बनता है, बराबर है, तो ये एंगल है 60 का, जबकि ये बनता है तो ये 30 का, बराबर। तो इसमें टावर और बिल्डिंग कौन सी रहे, तो ये आपको पहले पता चलना चाहिए। जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग की टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, यानी 30 का बनता है, इसका मतलब ये क्या हुआ, टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, तो ये आपकी बिल्डिंग हो गई,
ये बिल्डिंग है क्यू। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एलिवेशन 30 का होता है। क्यों 30 है तो आप देख सकते हो ये बहुत ऊंची है, तो इधर से मैं देखता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से तो ऊपर मेरे को ज्यादा देखना पड़ता है, इधर से देखो तो इधर ऊपर ज्यादा देखेंगे, इसीलिए वो ऊंचाई पे होगा ये नजदीक। जैसे कि इधर से मैं देखता हूं ऐसे दो बिल्डिंग है बराबर है, तो ये इधर ही देखना पड़ेगा ये हॉरिजॉन्टल, तो ये 30 का ही एंगल होगा। लेकिन ये अगर लंबी बिल्डिंग है तो इसके लिए बहुत ऊपर देखना पड़ेगा, तो ये एंगल है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि एंगल बड़ा हो गया तो उसके मतलब कि उसकी सामने वाली बिल्डिंग है वो भी कौन सी होगी, उसकी हाइट भी ज्यादा होगी, तो वो आपको पता लेना चाहिए। तो इसका मतलब कि बिल्डिंग है वो छोटी होगी क्योंकि वो 30 का एंगल बनती है। जबकि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड सॉरी एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टावर का एलिवेशन एंगल बनता है फुट ऑफ द बिल्डिंग से, वो 60 है, तो ये रहा अपना 60, तो ये आपका क्या हो गया टावर हो गया, तो उसको नाम देते ए बी सी और डी बराबर। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर 50 मीटर हाइट है, इधर देखो मैं ऐसे कर देता हूं, टोटल टावर की हाइट 50 मीटर है बराबर है 50 मीटर से, तो आपको क्या बोला है देन हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट आपको सीढ़ी मेजर करनी है उसका मतलब बराबर है। तो पहले मैं लिख देता इन फिगर ए बी इज हाइट ऑफ टावर कितना है, ए बी इज इक्वल टू 15 मीटर। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, सी डी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग और फाइंड आउट सी डी क्वेश्चन मार्क। तो इधर दो ट्राइंगल बनते हैं, तो पहले ट्राइंगल लेते हैं, तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी और एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इसके लिए टेन 60 है कि नहीं, तो टेन 60 इज इक्वल टू सामने वाली साइड क्या है ए बी और पास वाली साइड बी सी, टेन 60 कितना आया रूट 3, ए बी कितना है 15, तो बी सी आपको मिल जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू 15 अपॉन रूट 3, बी सी ऊपर जाएगा रूट 3 नीचे आएगा, तो इतना मीटर्स आ गया बी सी। अब ट्राइंगल बी सी बी के लिए लेते हैं, तो इन राइट ट्राइंगल बी सी बी इसके अंदर एंगल बी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है बराबर है कि नहीं, ये वाला, तो इसके लिए भी टेन 30 इज इक्वल टू 10-30 सामने वाली साइड बी सी जो आपको फाइंड करनी है और पास वाली साइड बी सी जो आपको दी है 10-30 यानी 1/√3 है बी सी, तो आपको ढूंढना है और बी सी कितना दिया 50/√3, तो 50/√3, तो ये वाला पोर्शन ऊपर जाता है तो 50/√3 और नीचे आपको √3 दिया हुआ है और इज इक्वल टू बी सी है, तो बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा ये √3 नीचे आएगा, तो दो बार √3 आएंगे तो क्या हो गया है 3 हो जाएगा, तो बी सी इक्वल टू 50/3 डिवाइड करो 3 × 3 = 20 यानी 6.666 चलता जा रहा है, तो DC इज इक्वल टू 16.67 मीटर भी लिख सकते हो या 50/3 ले सकते हो, तो आपको क्या मिल गई हाइट ऑफ बिल्डिंग DC इज इक्वल टू 50/3
मीटर्स, वो भी आप लिख सकते हो।